नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजातरीन खबरों की तरफ। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। विकासखंड प्रतापपुर कामोचा की 65 ग्राम सभाओं के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का 2 दिवसीय परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्षेत्र पंचायत सभागार प्रतापपुर कमैचा में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रोजेक्टर के माध्यम से ग्राम प्रधानों को उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित जानकारियां प्रदान की गई। सभी ग्राम प्रधानों को उनके कर्तव्यों और कार्य क्षेत्रों का बोध कराया गया। राज्य प्रशिक्षिका रागिनी दीक्षित ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों को उनके दायित्व और कर्तव्य की जानकारी दी गई। ग्राम प्रधानों को यह जानकारी दी जा रही है कि वह अपने ग्राम सभा को एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में कैसे परिवर्तित करें, साथ ही ई गवर्नेंस के विषय में भी ग्राम प्रधानों को जानकारी दी जा रही है। एडीओ पंचायत प्रतापपुर कमैचा अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि ग्राम प्रधानों का पंजीकरण कराकर उन्हें विभिन्न बिंदुओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। ग्राम प्रधानों को ग्राम सभा और ग्राम पंचायत समिति की बैठकों, स्वच्छ भारत मिशन और पंचायत भवनों का निर्माण कार्य समेत विभिन्न प्रकार के बिंदुओं पर जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरांत ग्राम प्रधानों को फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें उनसे प्रशिक्षण का फीडबैक भी लिया जाएगा। इस दौरान जिला सलाहकार नीरज दुबे, जिला परियोजना प्रबंधक गुंजन श्रीवास्तव, राज्य प्रशिक्षिका रागिनी दीक्षित और राज्य प्रशिक्षक विपिन कुमार समेत अन्य कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सर, आज 3 लोगों का प्रशिक्षण था, क्या कार्यक्रम? ये आज जो है ग्राम प्रधान गणों का प्रशिक्षण है। विकास खंड कार्यालय पीपी कमेचा में ग्राम प्रधानों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें जिले से प्रशिक्षक मास्टर ट्रेनर महोदय आए हुए हैं और DPM सर भी आए हुए हैं। ये पूरे दिन का कार्यक्रम है। इसमें प्रधानों का परिचयात्मक रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा पहले, उसके बाद इनको जो है विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद उसका फीडबैक भी लिया जाएगा। उससे संबंधित भी फीडबैक से संबंधित भी फॉर्म जो है इनको दे करके प्रशिक्षण के संबंध में फीडबैक भी लिया जाएगा। इसमें सभी बिंदुओं पर ग्राम सभा की बैठक, ग्राम पंचायत की बैठक, समिति की बैठक और स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के अंतर्गत जो सर्वे हो रहा, जो शौचालय बन रहे हैं उसके विषय में, सामुदायिक पंचायत भवन हमारे स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो बन रहे हैं, और इसके बाद जो डिजिटल सारा कार्यक्रम, सारे अभिलेख जो हमारे जो भी हैं इसके संबंध में भी इन लोगों को जो है PFMS के संबंध में जो है प्रधानों को बताया जाएगा। इनके अधिकार और कर्तव्य के बारे में बताया जाएगा। इन्हीं सब विषयों को लेकर ये जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है आज रखा गया। ये सुबह 10 बजे से हमारा प्रशिक्षण का, पहले तो हमारा यह है कि सभी को प्रशिक्षण के विषय में बताया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है, परिचयात्मक होगा। उसके बाद जो है पहले दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया गया, उसके बाद ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो है हमारा मतलब 11:15 जो है प्रारंभ है। उस प्रारंभ तो 10 ही बजे से है, लेकिन पहले तो वो है जो अपना शुभारंभ का है, उसके बाद परिचय का है, उसके बाद 11:15 जो है विभिन्न बिंदुओं पर परिचय होने के बाद जो है प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। ये 5 बजे तक कार्यक्रम है, 1 घंटे का, लास्ट में 1 घंटे का जो है वो फीडबैक लेकर के है। 4 बजे तक करेंगे, 5 बजे तक जो है फीडबैक लेकर के 5 बजे पूरा समापन। 4 बजे तक प्रधान हमारे 65 हैं, सभी प्रधान आए हुए हैं, सभी प्रधान आए हुए हैं। 65 जी, कितने प्रधान हैं ग्रामसभा में, कितने प्रधान आए हैं? 65 प्रधान हैं पूरे ब्लॉक में। 65 आए हुए हैं पूरे, हमारे 65 चेयर लगी तो पूरे 65 चेयर भरी हुई है, आप गिन सकते हैं। मैडम ये बताइए कि आप कहाँ से आई है, किस पद पर? जी, मैं स्टेट से आई हूँ और मेरा नाम रागिनी दीक्षित है, और यहाँ पे ग्राम प्रधान जो नव निर्वाचित ग्राम प्रधान हैं उनके प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग उपस्थित यहाँ पे हुए हैं, और यहाँ 10 बजे से और 4 बजे तक प्रधानों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें ग्राम प्रधान के क्या कर्तव्य हैं, उनके दायित्व क्या हैं,
और उनके उनके कार्य को कैसे करना है वो यहाँ पे हम लोग बताने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और मॉडल ग्राम पंचायत, एक अपनी पंचायत को मॉडल ग्राम पंचायत में कैसे हम बदल सकते हैं ये हम यहाँ पे इनको बताएंगे। और ई गवर्नर्स की स्थापना कब हुई और कैसे उनका मतलब PFS से पेमेंट करना है ये हम इनको यहाँ पे जानकारी देंगे। और हमें मेरे और भी सहयोगी यहाँ पे आए हुए हैं राज्य से, जो अलग अलग विषय बिंदु पे चर्चा करेंगे। और सबका अलग अलग समय निर्धारित है, वो कितने देर का कौन सा सेशन लेना है वो सबका अलग अलग विषय निर्धारित है, वो आगे हम ये प्रशिक्षण 4 बजे तक चलेगा जी हाँ, जिसमें बीच में इनका लंच ब्रेक होगा आधे घंटे का, फिर उसके बाद से प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा इनको। कितने पदार्थ आएगा यहाँ पे? 69 है ना, आज का बैच 40 का है और बाकी कल का एक बैच और होना है। कितने दिन चलेगा प्रशिक्षण? 2 दिन का है प्रशिक्षण। यस कल भी हो। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।